सत्ता के गुरूर और अहम के ठेकेदारों से आम जनता तो छोड़िए अब अधिकारी भी सुरक्षित नहीं है। नगर परिषद कार्यालय अब लड़ाई और मारपीट का अड्डा बनता जा रहा है। बहादुरगढ़ नगर परिषद कार्यालय में तैनात कार्यकारी एक्सीएन के साथ हाथापाई और गाली गलौज करने का मामला सामने आया है। हैरानी की बात तो यह है कि जनाब की अधिकारी के साथ गाली गलौज करने और हाथापाई करने वाला कोई नहीं, बल्कि यह आरोप नगर परिषद चेयरपर्सन सरोज राठी के पति रमेश राठी पर लगे हैं। इसकी शिकायत कार्यकारी अभियंता ने पुलिस को भी दी है। आज लगभग 1:30 बजे के आसपास मैं कार्यालय के काम से जो है कि कार्यकारी अधिकारी के कक्ष में गया था, तो वहाँ पर पहले से ही जो हमारे नगर परिषद के प्रधान हैं श्रीमती सरोज राठी, उनके पति रमेश राठी बैठे हुए थे, वाइस चेयरमैन बैठे हुए थे, अपने कार्यकारी अधिकारी बैठे हुए थे। वहाँ अंदर केबिन में जाते ही रमेश राठी द्वारा जो है कि मुझे गाली गलौज दी गई, मेरे साथ हाथापाई करने की कोशिश की गई। इससे पूर्व भी वो पहले भी कई बार 2-3 बार इस तरह की हरकत कर चुके हैं। जान से मारने की धमकी उन्होंने मुझे पहले भी दी थी और इस बार भी जो है कि मुझे बार बार यही कि 2 दिन में आपको देख लूँगा इस तरह की और गाली गलौज देते हैं। और कार्यालय में आके, जबकि उनका इस कार्यालय से कोई मतलब नहीं है, सरकारी कार्य में आके बाधा डालते हैं, अनौपचारिक जो है कि गलत कार्य कराते हैं कर्मचारियों से, अनौपचारिक रूप से जो है कि मीटिंगें लेते हैं और मना करने पर जो है कि उनके साथ गलत व्यवहार करते हैं। तो मैंने उनके खिलाफ़ जो है कि आज भी इस तरह की उन्होंने गाली गलौच मेरे साथ करी है। मैं केबिन से बाहर निकल, उन्होंने मुझे पकड़ने की कोशिश करी है, लेकिन मैं वहाँ से निकल आया और उसके खिलाफ़ मैंने जो है कि सभी उच्च अधिकारियों को भी पत्र भेजा है। इसके साथ साथ अपने SHO सिटी को भी और पुलिस अधीक्षक को भी जो है कि मैंने लेटर लिखा उनके खिलाफ। इतना ही नहीं, एक्सीएन ने अर्बन लोकल बॉडी के डायरेक्टर समेत DC, SDM नगर परिषद प्रधान को भी शिकायत सौंपी है। बता दें कि आरोपी रमेश राठी की पत्नी सरोज राठी भाजपा के टिकट पर चेयरपर्सन निर्वाचित हुई थी। डालचंद शर्मा ने तो यहां तक कह दिया था कि उन्हें जान से मारने की धमकी भी दी गई है। फिलहाल मामले को लेकर नगर परिषद के चेयरपर्सन और उनके पति फिलहाल कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। अब देखने वाली बात ये रहेगी कि मामले को लेकर पुलिस आगे क्या कार्रवाई करती है। बहादुरगढ़ से प्रवीण कुमार धनखड़, पंजाब केसरी TV। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।